अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, कैरियर से होंगे, फिट फाट होंगे। व्यूवर्स, हमेशा की तरह जी आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ मूंग और मसूर की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही मज़ेदार बनती है अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बहुत ही डिलीशियस आपकी दाल बनेगी। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, सूखी लाल मिर्च जो होती है उसका हमने पेस्ट बना लिया था, और हमने यहाँ पे हरा धनिया लिया उसे काट लिया है, और जी दूसरी तरफ हमने यहाँ पे दो अदर जो है वो प्याज लिए थे उसे अच्छे से हमने कट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद जी हमने तीन से चार जो है ना सब्ज़ मिर्चें वो ले ली थी, और उसे जी हमने काट लिया था, ब्रिक ब्रिक नहीं काटा, ठीक है, तरह सेंटर में से काटा। और एक अदर जी हमने टमाटर लिया है, सही है, उसे कट कर लिया। और यहाँ पर जी हमने साबित मिर्चें ली हैं और सूरत मिर्ची की एक चम्मच जो है वो ऑलमोस्ट हमने ले लिया था, आंधी ली थी, कड़ी पत्ता था, और यहाँ पर हमारे पास सूखा धनिया था और ज़ीरा था। तो ये तमाम मसाला जहाँ जो हैं वो हमारे इस रेसिपी में यूज़ होंगे, ठीक है। और उसके बाद जी हमने अपनी जो मूंग और मसूर की दाल को अच्छे से मिक्स करके साफ़ करके उसे हमने आधे घंटे के लिए जो है वो पानी में भिगो कर रख लिया था, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, कम पानी में भिगो कर हमने उसे आधे घंटे के लिए रख लिया था। इससे क्या होता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप जब भी बनाया करें तो पहले से भिगो कर रख लिया करें, ठीक है। उसके बाद जी हमने एक कप जो है यहाँ पर ऑयल जो है वो लिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज की रेसिपी में यूज़ होंगे, ठीक है, तो जिससे हमारी जो है ना दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलते हैं जी, हमने क्या लिया, अब प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर के अंदर जी हमने एक कप जो है वो तेल का डाल लिया था, सही, एक कप नहीं बल्कि डाला आपने हाफ कप, ऑलमोस्ट इसमें हाफ से ज़्यादा कप डाले हैं, क्योंकि बाकी जो है जब लास्ट में हम दाल में तड़का लगाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब तेल गर्म हो गया तो हमने दो अदर जो कटे हुए प्याज थे वो इसके अंदर डाल दिए, और डालने के बाद जी आपने इसे अच्छे से जो है ना वो गोल्डन करना है, ठीक है, और फिर करते जाना है, ठीक है ना, ये बहुत टाइम लेते हैं सच्ची बात है। चलिए जी हम वेट करें जब ये होंगे हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन। ओके जी, ये हम गोल्डन कर रहे हैं इसको अभी तक, बहुत ही रेड है, बहुत मुश्किल से होते हैं। यहाँ पर देखिए जी बस ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस लाइट से गोल्डन करना है, ठीक है, ब्राउन तो बिल्कुल नहीं करना, उससे जो है वो सारा आपकी रेसिपी जो है ना ख़राब हो जाएगी। और आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, बिल्कुल तेज़ आँच पे इसको नहीं बनाना है। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही होती है कि हम खानों को तेज़ आँच पे बनाते हैं जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो जी यहाँ पे हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ऑलमोस्ट डेढ़ चम्मच था वो हमने इसके अंदर डाल दिया, और उसको जी हमने तकरीबन जो है ना वो 40 to 50 सेकेंड जो है ना वो अच्छे से पकाना है, ठीक है। और इस तरह जी जब वो भी थोड़े से जो है वो गोल्डन हो जाएंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या ऐड करना है, एक कदर जो हमने टमाटर डाला था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर जी हम टमाटर को भी अच्छे से 30 to 40 सेकेंड्स के लिए पकाएंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से ऑयल में वो मिक्स हो जाए और थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद जी हमने तीन से चार अदर जो है सब्ज़ मिर्चें कट की थी वो इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। डालने के बाद हमने इसको फिर अच्छे से जो है ना वो पकाना है, और फिर हमने बस इसको पकाना है। थोड़ा सा जी हमने इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि हमने जो ये मसाला जो है सब्ज़ मसाला जो इसके अंदर ऐड किया वो अच्छे से जो है वो गल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा वैसे मैं अच्छे से वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ, सो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दिया करें। तो यहाँ पर जी हमने जो सूरत मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हमने लिया, वो इसके अंदर डाल दिया। ये किस तरह बनाया था, यहाँ पर हमने सूखी हुई सूरत मिर्ची ली थी, और उसके अंदर तीन से चार जो है ना अदरक हमने जो काली मिर्च होती है ना वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको पीस लिया था, और इस तरह का पेस्ट बन गया था। टू बी ऑनेस्ट, इससे जो है ना दाल का पूरा टेस्ट ही जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो आपने लाजमी ट्राई करना है, अभी तक अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो। यहाँ पर जी हमने तकरीबन जो है ना एक चम्मच हमने हल्दी का और सूरत मिर्चों का लिया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमने जो
नमक है वो डाल दिया। नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने फिलहाल इसके अंदर एक चम्मच जो है ना वो नमक का डाला है, ठीक है। अगर बाद में मुझे कम लगा तो हम इसके अंदर दोबारा ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा जी हमने पानी इसके अंदर डाल दिया ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए और हमारी जो है ना कच्चा कच्चा कुछ ना रहे। और इसके बाद जी हमने क्या कर लेना है, मूंग और मसूर की दाल जो है अपनी भिगोई हुई थी वो इसके अंदर डाल लेनी है। और ये रेसिपी बहुत क्विक है, तकरीबन 10 या 15 मिनट में ना आपकी दाल जो है ना मज़ेदार दाल जो है ना वो तैयार हो जाती है। कोई आपको लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है और तकरीबन आपका कोई पूरे प्रोसीजर में ना कोई 1 घंटा लगता है, यानी दाल को भिगोने में और सारा कुछ कटिंग शटिंग में, तो 1 घंटे में आपकी मज़ेदार जो है ना दाल तैयार हो जाती है। अच्छा जी हमने जब इसके अंदर मूंग और मसूर की दाल डाली है तो हमने इसे अच्छे से पका लेना है, ठीक है। पकाने के बाद इसकी जो है ना शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी। और ये जो है बाउल है ना तकरीबन भरकर हमने इसके अंदर पानी का डाल लिया है, ठीक है। पानी का चीट डाल के इसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया है अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं जी, प्रेशर कुकर का हमने दे दिया इसके ऊपर ढककर, तो इसको कर दिया बंद। तकरीबन 5 मिनट जो है प्रेशर कुकर पे इसको बनाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के बाद ही हमारी तैयार हो जाएगी। साथ ही हमने क्या लिया, अपने तड़के का जो है सामान तैयार कर रहे हैं। हमने फ्राई पैन लिया, ठीक है, और फ्राई पैन में जी हमने वही ऑयल जो बच गया था वो इसके अंदर डाल दिया, सही है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया उसके बाद ही हमने क्या करना है अभी तो तक जी हमारा ऑयल ही गर्म हो रहा है। तो उसके बाद जी हमने ये तमाम मसाले जिसमें हमारे पास सूरत मिर्ची है, साबित ज़ीरा है, सूखा धनिया और कड़ी पत्ता जी ये हमने ले लिया। हमने कूटा हुआ कुछ भी नहीं लेना, आपने जो है ना साबित ही सारी चीज़ें लेनी है। और इसको जी हमने जब हमारा तेल गर्म हो गया था हमने इसके अंदर डाल दिया था। और हमने जी 4-5 जो है इसके अंदर जो सूरत सब्ज़ मिर्ची है वो भी इसके अंदर डालनी थी। और इसकी थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और इससे जो है लास्ट में टेस्ट आता है ना वो कमाल का आता है। तो होटल वाले जो है ना उनकी रेसिपी भी यही होती है, तो इसी टाइप की जो है ना वो दाल बनाते हैं। तो 5 मिनट के बाद ही हमने अपना प्रेशर कुकर खोल लिया था। और यहाँ पर देखिए जी हमारी दाल जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, ठीक है। वो दाने शाने जो थे वो बिल्कुल भी नहीं हुई बने और अच्छे से जी हमारी दाल मिक्स हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा है। और हमने इसके अंदर जी धनिया डाल दिया है, सब्ज़ धनिया डाल दिया, जिससे हमारी जो रेसिपी की मतलब पूरी डिश की लुक ही चेंज हो जाती है। तो हरा धनिया लाजमी यूज़ किया करें खानों में, सही है। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट जो है वो पकाना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जी हमारी दाल हो गई है तैयार। तो हमने क्या किया है, इसे डिश आउट कर रहे हैं। और इसके बाद हमने जो तड़के के लिए जो सारा सेटअप किया था, ये पूरा तड़का जो हमने बनाया था वो हम अब इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, यानी यकीन करें बहुत डिलीशियस ये रेसिपी बनी थी। और अगर आप लोगों ने इस तरह की रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की तो लाजमी करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है। और अभी जिस तरह मैंने बोला कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।